think my life is. माफी चाहता हूं शाहजी, थोड़ी सी देर हो गई। वो दरअसल आपको तो मेरी मसरूफियत का पता है। दलील मत दे सजावर चौधरी, तूने अब तक यकीनन सुन लिया होगा कि क्या हुआ है गांव में। जी शाहजी, तो फैले साई ने मुझे कुछ बताया इस बारे में। मैं दस्या शाहजी, तू क्या कर सकता है हमारे लिए चौधरी सजावल? शाहजी, आका गुलामों को हुक्म करते हैं, आप सब मुझे हुक्म करें फिर देखें। तेरे ख्याल में ऐसे गुस्ताख की क्या सजा होनी चाहिए? इलाका बदर कर दूं, घर से निकाल दूं? शाहजी, मेरी जमीनों पर काम करता है, अगर आप कहें तो बेदखल कर दूं। आप सिर्फ एक बार हुक्म तो करें शाहजी। नहीं 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 सजावल चौधरी, ये सब जुल्म है और हमें जुल्म से बाज रहने का हुक्म है। हमारी जाती ख्वाहिशात तो कब की खत्म हो चुकी। हम तो जो कुछ करते हैं अपने मुर्शिद के हुक्म से करते हैं। जानता हूं सरकार, जानता हूं। और मुर्शिद की ख्वाहिश है कि हम उस दोशीजा को अपने हवाले अक्त में ले लें, लेकिन उसका आकेवत नांदेश बाब मामले कुछ समझ नहीं रहा। अगर आप इजाजत दें तो लड़की को उठवाने आज रात। गा सुने ना, कुछ ना कुछ तो करना पैसी। चौधरी सजावल, मुद्दतें हो गई हमने अपने नफ्स को मार दिया है। हमारे किसी भी फेल में हमारी जाती ख्वाहिशात का कोई दखल नहीं है। हम जो कुछ करते हैं अपने सोने मुर्शिद के हुक्म से करते हैं। मुर्शिद का क्या हुक्म इस बारे में सरकार? इलाके के कुछ गुमराह लोग मेरे बारे में, दरबार के बारे में बकवास करने लगे हैं। अगर हमने कुछ ऐसा वैसा किया जो उनकी निगाह में जुल्म हुआ तो खामखा उनकी जबानें बाहर निकल आएंगी। अब मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? थानेदार तेरी मर्जी का है। शाहजी, आप तो जानते हैं इस इलाके में थानेदार और डीएसपी हमेशा मेरी मर्जी के लगते हैं सरकार।